स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने 24 सितंबर 2024 को एक संशोधित बैठक सूचना यहां पर जारी की है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले कैबिनेट बैठक जो है वो 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब उस बैठक में यहाँ पर चेंजेस किया गया है। वो 25 के स्थान पर 29 सितंबर को दोपहर 3 बजे शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित है। बैठक की जो एजेंडा है वो प्रत्यक्ष से इन्होंने कहा कि प्रेषित कर दी जाएगी। बैठक में प्रधान का निवेदन है, डॉक्टर जोगाराम जो शासन सचिव हैं उनके हस्ताक्षरों से पत्र जारी किया गया है, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण राजस्थान, माननीय मंत्रीगण राजस्थान, मुख्य सचिव राजस्थान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग, शासन सचिव मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो 25 सितंबर को जो बैठक प्रस्तावित थी कैबिनेट को लेकर, कैबिनेट मीटिंग जो प्रस्तावित थी, अब उसका समय और स्थान जो टाइम और डेट है वो चेंज हो चुकी है। पहले कैबिनेट बैठक यहाँ पर 25 को यहाँ पर संभावित थी, इन्होंने सूचना जारी की थी 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अब 29 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे ये बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। बात करें कि बैठक का जो संभावित एजेंडा वो क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब 25 को प्रस्तावित थी, पहले 18 सितंबर को ये बैठक प्रस्तावित थी, इसके बाद में ये बैठक 25 को प्रस्तावित थी। अब यहाँ पर इसका एजेंडा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो बैठक है वो 29 सितंबर 2024 को शाम 3 बजे यहाँ पर प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करवाने को लेकर चर्चा होगी, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को लेकर चर्चा होगी, सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, तबादला नीति ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, यूपीएस पेंशन पर हो सकता है विचार, साथ ही संविदा व ठेका कर्मचारियों के लिए संविदा सेवा नियम 2024 और आरएलएसडीसी बोर्ड के गठन को लेकर यहां पर चर्चा संभावित है। साथ ही मैं बता दूं, जो भी ठेका प्रथा के माध्यम से जो कार्मिक लगे हुए हैं, आरएलएसडीसी का बोर्ड का गठन हो सकता है और ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं उनको सीधे ही अब संविदा पर आरएलएसडीसी के माध्यम से नियोजित किया जा सकता है। साथ ही मैं बता दूं, करीब एक सप्ताह के लिए जो ट्रांसफ़र बैन है वो खुल सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, जयन पंचायतीराज जयन भर्ती 2024 को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इस पर मैं बता दूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने महोदय ने सेवा नियम संशोधन को लेकर अब फाइल को अप्रूवल दे दी, अब कैबिनेट के माध्यम से उसका अनुमोदन यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ विभिन्न जो कुछ एजेंडे हैं वो यहाँ पर बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करवाने को लेकर चर्चा की जाएगी, विभिन्न सेवा नियम संशोधन जैसे कि चाहे पंचायती राज जयन भर्ती हो या अन्य जो भी संशोधन हो वो यहाँ पर उसको लेकर चर्चा की जाएगी, सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर चर्चा की जाएगी, तबादला नीति ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर हो सकता है विचार, संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा सेवा नियम 2024 को लेकर चर्चा यहाँ पर की जा सकती है, इस पर यहाँ पर उनका अनुमोदन मिल सकता है कैबिनेट का। इसी प्रकार से ठेका प्रथा के जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन का यहाँ पर जो है मंजूरी दी जा सकती है, उनके लिए आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन यहाँ पर हो सकता है। साथ ही ठेका प्रथा के जो कार्मिक जो लगे हुए हैं ठेका प्रथा के माध्यम से, अब उनको सीधे ही आरएलएसडीसी राजस्थान लॉजिस्टिक स्टेट डिलीवरी कॉरपोरेशन जो सरकारी कंपनी होगी उसके माध्यम से नियोजित किया जाएगा। साथ ही ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और शायद एक सप्ताह के तक जो ट्रांसफ़र है वो ओपन किए जा सकते हैं। साथ ही तबादलों पर रोक भी हटा सकती है, तबादला नीति पर चर्चा होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा होगी, विभिन्न सेवा नियम संशोधन को लेकर चर्चा होगी, एसआई भर्ती प्रकरण को लेकर चर्चा की जाएगी, कैबिनेट बैठक में बजट घोषणाओं को धरातल पर लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी, साथ ही पंचायती राज जयन भर्ती को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी।
तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले बैठक 25 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे प्रस्तावित थी। अब बैठक का जो डेट है वो चेंज हो चुकी है, 25 के स्थान पर 29 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।